नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मोबाइल की सीक्रेट सेटिंग्स जो आपको पहले कभी नहीं पता थी, ना शायद आपको पता चलती अगर जो मैं ये वीडियो ना बनाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझको चाहिए एक सिर्फ आपका एक क्लिक। और क्लिक करना कहाँ है दोस्तों, जो लाल रंग का नीचे आपके बटन दिख रहा है वीडियो के नीचे, वहाँ पर सिर्फ एक क्लिक करके हमें फ्री में सब्सक्राइब कर लें। तो इससे ये होगा कि मैं जो भी अगली वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर ये सिम वन का निशान देख रहे हैं, सिम वन का यहाँ पर वन लिखा है। तो दोस्तों, आप यहाँ से चेंज कैसे करें, तो सिम कार्ड मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद सिम वन जियो 4G में जाएंगे, और जैसे कि आपको ये होम पर क्लिक कर देते हैं तो होम पर ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर होम का निशान आ चुका है। और जो हम हार्ट का निशान कर देते हैं नीचे वाला, देखिए जिसमें दिल बना रहा है, तो देखिए अब दिल बन के आ रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप दिल बन के लगाए और आकर जो यहाँ पर कॉल पर क्लिक करते हैं तो आप कॉल पर चाहे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर रजिस्टर नेम, यहाँ से आप कोई भी सिम वन की जगह अपना नाम भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो जैसे राहुल ये आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं इसमें जियो 4G लिखे ले रहा हूँ। दोस्तों, आप ऐसे नाम भी चेंज कर सकते हैं अपने सिम का। और अगली सेटिंग है दोस्तों, नीचे चलेंगे, उसके बाद सीधे हम अपनी एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी अभी आपको दिख रही है, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलर इन्वर्सन। तो और जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैसा कलर आने लगा है दोस्तों। आप ऐसे भी कलर कर सकते हैं, और जो इसको क्लिक हटा देंगे तो फिर से इसे आ जाएगा, और जो आप ऐसे क्लिक कर देते हैं तो ऐसे आने लगेगा। और उसके बाद कलर करेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए मेरी स्क्रीन का कलर बदल चुका है। जो ऐसे कर देंगे तो फिर से उसी तरह हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तो उसी तरह हो सकता है। सेटिंग रही, अब चलते हैं अगली सेटिंग की ओर। तो नीचे हम यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन दिख रहा है, अगर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपके मोबाइल में वो जब आएगी तभी जो आपकी टॉर्च जो होगी वो जलने लगेगी। तो चलिए अब मैं दूसरी आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। फिर सबसे नीचे अबाउट डिवाइस में अपनी जाएंगे। अबाउट डिवाइस आने के बाद आप अगर जो अपनी फ़ोन की सारी जानकारियाँ लेने जाते हैं तो यहाँ पर अबाउट डिवाइस में स्टेटस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ सब दिखाएगा, बैटरी लेवल 50, नेटवर्क जियो, सिग्नल स्ट्रेंथ, मोबाइल नेटवर्क, इन सर्विस, रोमिंग हो रही है कि नहीं, माई मोबाइल नंबर तो यहाँ नहीं होगा, IMEI आएगा, IP एड्रेस आएगा, वाईफाई मैक एड्रेस आएगा, सब कुछ अब यहाँ से जान सकते हैं अपने स्टेटस में जाकर। और यहाँ पर डिवाइस नेम में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके में आपकी जो डिवाइस है, मान लीजिए आपकी सैमसंग की डिवाइस है तो यहाँ पर सैमसंग लिखा होगा, तो उसको हटाकर आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक हैकर, तो इसे मैंने टेक हैकर लिख दिया। अब इसे ओके कर देंगे। इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी आप अपना मोबाइल हॉटस्पॉट खोलेंगे तो जब जो जो जिसका वाईफाई ऑन होगा वो आपका आपकी डिवाइस का नाम नहीं, आपके आपकी डिवाइस का नाम आपके नाम से आएगा। जैसे कि आपका नाम, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राहुल है, सब मान लीजिए, तो